हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु रितुस किचन से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बेड़मी पूरी का प्रीमिक्स, जिसके लिए हमें चाहिए 3 कप गेहूं का आटा, 1 कप सूजी, 1 कप उड़द की दाल, 1 चुटकी हींग है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और ये 3 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच सॉल्ट है, 1 से 1.5 चम्मच ये सौंफ है, 10 से 12 हमने काली मिर्च ली है, 7 से 8 हमने लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च ली है। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें हम उड़द की दाल जो हमने साफ़ कर ली है, अच्छे टॉवल से साफ़ कर ली अच्छी तरह, अब इसे हम रोस्ट करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, हम स्लो गैस पे इसे रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम ये साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, अब इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे जो हमने ज़ीरा लिया था साबुत ज़ीरा, सौंफ भी डाल देंगे इसके अंदर हम। अब हम इसे हल्का रोस्ट करेंगे ताकि ये जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो अच्छे से इसका पाउडर तैयार हो जाए। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है, हमने भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल देंगे। इसे ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। देखिए अब ये ठंडा हो गया है। अब हमने एक जार लिया है, इसे हम पीस देते हैं, इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। देखिए तैयार हो गया इसका पाउडर, हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक हुआ है, हमें इसी तरह का पाउडर चाहिए। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हींग डाल देंगे और इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। सब अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हो गया मिक्स, अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने 3 कप आटा लिया है और जो हमने ये प्रीमिक्स दाल का पीसा है ये हम इसमें डाल देंगे, 1 कप सूजी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा बेड़मी पूरी का प्रीमिक्स तैयार है। हम इसे ठंडा करेंगे, फिर हम इसे एक किसी एयर टाइट बर्तन में रख सकते हैं, 2 से 3 हफ्ते के लिए हम इसे रख सकते हैं। अब इसमें से जितना आटा हमें चाहिए अभी हम उसे अलग कर लेंगे, बाकी का हम अभी हम किसी बर्तन में निकाल के रख देते हैं। ये हमने आधा आटा ले लिया है, आधा हमने अलग कर दिया है। अब इसमें हम 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे ताकि ये खस्ता अच्छे से बने, रिफाइंड ज़रूरी है डालना इसे। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें ये ऑयल मिक्स करना है इसमें। अब हम इसे गर्म पानी से गूथेंगे। हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका, जैसे पूरियों का आटा होता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे पानी डाल के।
देखिए हमने आटा गूंद दिया है, अब इसे हम अच्छे से समेट के रख देंगे, इकट्ठा करेंगे इसे हम, और अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, इसको रेस्ट देते हैं थोड़ी देर। देखिए 20 मिनट हो गया है, आटा एकदम तैयार है, अब इसे हम थोड़ा मलते हैं। फिर हम इसके, अब हम इसे इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ते हैं, जैसे एक पूरियों के लिए आटा लिया जाता है उसी तरह के हमें इसकी लोई लेनी है। देखिए इस साइज की हम लोई तोड़ रहे हैं, आप अपने साइज से, अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तेल हमने गरम करने रख दिया है, अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेलेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमें थोड़ा पूरी से थोड़ा मोटा ही बेलना है इसे, एक और बेल देते हैं हम। देखिए तेल हमने पहले रख दिया था, तेल चेक करते हैं हम थोड़ा सा आटा डाल के। देखिए तेल हमें इसी तरह चाहिए, हम इसमें अब इसे दबा दबा के हल्के हाथों से हम इसे एकदम करारी करके सेकेंगे। देखिए तैयार है, अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हम दूसरी पूरी डालेंगे और इसी तरह हम सारी पूरी तैयार कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीके से हम घर में बना सकते हैं बेडमी पूरी, बाज़ारों में आपने खाई होंगी। इसे हम कद्दू की सब्ज़ी के साथ सर्व करके दिखाएंगे, जो हमने पहले आपको दिखा रखी है, हमने रेसिपी पहले डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए तैयार है हमारी प्लेट बेडमी पूरी कद्दू की सब्ज़ी के साथ, और ये हमारा आटा प्रीमिक्स का। Thank you. Do like, share, comment and subscribe.